वेब डेवलपमेंट विद पाइथन। तो बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पूरे प्रेजेंटेशन का रोड मैप क्या होने वाला। तो रोड मैप की बात करें तो हम सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि भाई वेबसाइट क्या होती है, व्हाट इज अ वेबसाइट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट। देन वी हैव अ थिंग व्हिच इज नोन एज वेब एप्लीकेशन, व्हाट अ वेब एप्लीकेशन एक्चुअली मींस। देन वी गो फॉर वेब डेवलपमेंट, देन वी हैव अ डिफरेंशिएशन बिटवीन वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग, देन वी हैव द प्रोसेस ऑफ वेब डेवलपमेंट। Then again, we are going to discuss what are the tools, what are the working profiles, why Python, and basically some web development frameworks in Python. And finally, there will be some useful links. So basically, इस presentation से जो आपके लिए का takeaway है यहाँ से वो ये है, आपको जब हम बात करते हैं web development की तो web development बड़ा vague word है अपने आप में। Basically हम इस presentation में आपको ये बताना चाहते हैं कि आप Especially एक जब आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो व्हाट शुड बी योर स्पेसिफिक टूल्स, आपको किस फ्रेम माइंडसेट से जाना है, किस माइंड फ्रेम से जाना है, व्हाट यू शुड यू एक्चुअली डू। सो या लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वेबसाइट। ओके, एवरीवन हैज सीन दैट व्हाट इज अ वेबसाइट। सो आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स to just use their chat box to write the answer. I request everyone, participants, आप लोगों से request है कि एक website क्या होती है आप वो मुझे बता सकते हैं, chat box में आप लिख सकते हैं। लीला दा सर, am I audible to all? Audible, sir. Yeah, you are audible. Okay, you are 100% audible. Okay, that's fine. So, चलिए अभी कोई हमारे पास response नहीं आया तो basically हम बात कर लेते हैं what is a website. So website is a basically nothing. It's a collection of web page which have interconnected towards a certain information under a common domain name. So basically जब हम बात करते हैं website की तो website का बनाने का जो motive है, वेबसाइट को बनाने का एक मोटिव जो है वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। 24/7 इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आप वेबसाइट बनाते हैं। अगर एक सिनेरियो सपोज करिए, इफ आपके कॉलेज की वेबसाइट ना हो, सपोज आपके कॉलेज की वेबसाइट ना हो और आपको कुछ एट रैंडम आपको कुछ सिलेबस चाहिए आपका, या चलिए इसको थोड़ा सा और इस तरीके से चेंज करते हैं कि अगर मुझे आज के पहले, अभी इस सिनेरियो के पहले अगर मुझे रेलवे टिकट भी बुक कराना होता तो मुझे एक लाइन में लग जाके खड़ा होना पड़ता था, फिर मुझे फॉर्म भर के देना होता था, फिर मेरा जो है एक टिकट क्रिएट होता था। एल्स अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली IRCTC पे लॉगिन करते हैं और आपका जो जर्नी का टिकट है वो आपके पास क्रिएट हो जाता है। नॉट मोर देन 5 to 10 मिनट्स का पूरा प्रोसेस है। 5 to 10 मिनट्स की प्रोसेस में हम पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो जनरेट कर लेते हैं और हमारा टिकट जनरेट हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि भैया क्या एक जो आपकी कॉलेज की वेबसाइट है और IRCTC क्या दोनों वेबसाइट हैं? तो जी इसका उत्तर है हाँ, दोनों वेबसाइट हैं। कि लेकिन क्या ये दोनों एक जैसी वेबसाइट है? आर दीज टू आर सिमिलर वेबसाइट्स? नो, दे आर नॉट एट ऑल सिमिलर वेबसाइट्स। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द व्हाट इज, what are the types of websites? So there are two type, I have stated there are two types of website. One is a static website. Static website kya hota hai? Static website ka simple sa concept hai ki agar ek website hai aur usko vishv se koi bhi kahin se bhi access kar raha hai aur sabko ek hi jaisa data mil raha hai. Suppose ek kisi college ki website ho gayi ya koi initial jo 5-pager website hum log dekhte hain, agar wo website ki baat karte hain to आपका, आपने उसका URL हिट करा, जैसे एक सिंपल सा मैं मेरी कंपनी का URL हिट करता हूँ www.techritzy.com, तो वहां पे जब मैं उसको हिट करूंगा तो मैं विश्व के कोई से भी कोने से अगर उसको हिट करूंगा तो मुझे मेरी स्पेशलाइज्ड एक जो मेरा टेम्पलेटेड जवाब है वही मिलने वाला है कि ये कंपनी है, ये ऐसे काम करती है, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये इनके जो है कुछ रिलेशनल्स है, ये इनके जो है क्लाइंट्स हैं, वो स्पेशलाइज मिलता है। लेकिन अब जब आप बात करते हैं कुछ डायनामिक वेबसाइट्स की, डायनामिक वेबसाइट्स का बेसिक सा फंडा ये है कि जब आप सिंपल सी बात करें कि यूट्यूब है,
या YouTube नहीं, स्पेसिफिकली बोलना चाहिए Facebook. Facebook पे जब आपका पेज है तो अगर मैं मेरे अकाउंट से वहां पे लैंड हो रहा हूँ तो वहां पे डिफरेंट सिनेरियो दिखेगा मुझे. आप अगर आपके अकाउंट से लैंड होंगे तो उस वहां पे सिनेरियो डिफरेंट दिखने वाला है. एज पर द यूजर चेंजेस द डिजाइनिंग द डेटा अवेलेबल ओवर देयर गेट्स चेंजेस. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ सॉरी इन अ स्टैटिक एंड अ डायनेमिक वेबसाइट. सो पार्टिसिपेंट्स आई रिक्वेस्ट यू to just use your chat box and answer. Yeah, good evening. Client and interaction between client and server web pages. So from that, can you please give me one example of static and one example of dynamic website?